हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीएचडी एडमिशन रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लाइक के जो भी लाइक एलिजिबिलिटीज हैं या जो भी जो है लाइक क्राइटेरिया है उसके बारे में, और जानेंगे कि इसका जो लाइक एडवर्टाइजमेंट है उसको कब निकाला गया, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट जो इसकी लाइक पॉइंट्स हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पीएचडी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऐसे करके यहाँ पे इन्होंने टोटल 8 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर रखे, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो बेल आइकन से प्रेस कर सकते हैं ऑल पे, ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो देखिए, आपको YouTube पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स वगैरह। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा मेरे चैनल का। तो यहाँ पे देखिए, मैं जॉब्स रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हो, चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो या आपका जो फेलोशिप स्कीम हो, चाहे आपका जो है पीएचडी रिलेटेड जो भी एडमिशन रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो, इसके अलावा प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हैं, तो उन सबके बारे में वीडियोज़ को रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या आप जो है लाइक बीएससी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो है जॉब से रिलेटेड जो भी कंटेंट वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन दोनों टाइप के जो वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है? तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं उस नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से आया है, ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपको पीएचडी एडमिशन 2021-2022। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको पीएचडी एडमिशन रिलेटेड सारा यहाँ पे जो है गाइडलाइन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है 2 सितंबर 2021 को आया, तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2021-2022। देखिए, यहाँ पे जो एडमिशन है पीएचडी प्रोग्राम में वो आपको ऑलमोस्ट जितने भी साइंस या नॉन साइंस बैकग्राउंड में जितने भी सब्जेक्ट है सबके लिए हुआ, चाहे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस एनवायरमेंटल साइंसेज, आर्ट्स एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, तो ये सारी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन कर रखे। तो आपको अगर किसी में भी आपको पीएचडी करना, अगर आप इन सब्जेक्ट्स में करना चाहते हैं और आपका ये जो है आप लाइक करना चाहते हैं पीएचडी, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कैंडिडेट हैविंग वैलिड यूजीसी सीएसआई नेट जेआरएफ आईसीएमआर गेट ईसीएसटी ईटीसी सर्टिफिकेट में अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है? तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी लाइक वैलिड आपने फेलोशिप आपके पास खुद की है, चाहे आपका सीएसआई हो या आपका आईसीएमआर या गेट है, तो आप जो है अपना लाइक के सर्टिफिकेट है वो आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पे डायरेक्टली जो इंटरव्यू में आप जो है जा सकें। अदरवाइज अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी फेलोशिप नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपको इंटरव्यू के लिए लाइक सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो आप डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखिए, आप हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, तो अगर आप जो है कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे लाइक इन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। लाइक टाइम दे रखा है 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे, और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मैंसन कर रखा है दीपक कुमार ठाकुर का। इसके अलावा ईमेल के लिए यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस दे रखा है, अगर आपको कोई भी क्वारी है तो ईमेल भी कर सकते हैं। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.cuj.ac.in पे जाके जो है अपना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरा गाइडलाइंस, दूसरा नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एकेडमिक ईयर, ठीक है? तो ये देखिए नोटिफिकेशन आपको जैसे क्लिक करेंगे पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स हैं लाइक ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 सितंबर 2021, लास्ट डेट 30 सितंबर है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद इंटरव्यू डेट्स 3 अक्टूबर, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इंटरव्यू 6 अक्टूबर टू 11 अक्टूबर, अनाउंसमेंट ऑफ मैरिज लिस्ट फॉर एडमिशन 13 अक्टूबर, एडमिशन फीस सबमिशन 14 टू 28 अक्टूबर, एडमिशन ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंस सीट इफ एनी, अगर कोई वैकेंस सीट रहती है तो उसके लिए 21 से 25 अक्टूबर 2021 इन्होंने मैंसन कर रखा है। तो देखिए अप्लाई आपको कैसे करना है, तो आपको लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है मेंशन कर रखी है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लाइक अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना है। तो इसके लिए आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, स्कैन और स्कैन सिग्नेचर भी होना चाहिए, और आपका स्कैन डॉक्यूमेंट जैसे कि अगर आपने कोई भी फेलोशिप लाइक आपके पास है, चाहे वो सीएसआईआर हो, चाहे गेट हो, चाहे आपका आईसीएमआर डीबीटी जीआर हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा, ताकि उसे आप अपलोड करेंगे तो आपको डायरेक्टली जो है लाइक इंटरव्यू के लिए ही बुलाया जाएगा, आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है। तो अगर बात की एप्लीकेशन फी की, तो अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपीज़ वहीं। अगर आप एससी एसटी या ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं 400, पीडब्ल्यू से 200 फीमेल हैं तो कोई भी फी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मोड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन, तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी लाइक यूजीसी सीएसआई जेआरएफ, या आपका लाइक नेट एलएस विदाउट फेलोशिप, या आईसीएमआर जेआरएफ डीबीटी बेट, या गेट है या स्लेट है आपके पास, तो डायरेक्टली जो है आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट होना हो जाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी इंट्रेंस एग्जाम मेंशन नहीं करना, नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी हो तो आप उसके थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी सीट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जिट थ्री में आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका मे बी ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कोविड की कैसी है उसकी बेस पे, ठीक है। तो देखिए परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन वेटेज, तो फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड विद यूजीसी सीएसआर आईसीएमआर डीबीटी बेट जेआरएफ विद फेलोशिप, तो आपको 70 मार्क्स जो है वो वेटेज मिलेगा आपको इसका, और साथ ही साथ इंटरव्यू का 30 मार्क्स रहेगा। विद कैंडिडेट क्वालिफाइड विद यूजीसी सीएसआर नेट डीबीटी बेट विदाउट फेलोशिप, तो आपको यहाँ पे फिक्स बेसिस 50 मार्क्स मिलेगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन नेट ये डीबीटी बेट जस्ट 80-20% वेटेज, और इंटरव्यू के 30 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा इन्होंने फिक्स कर रखा है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट टाइम ऑफ इंटरव्यू एज पर द एग्जिट वन, तो यहाँ पे देखिए आपको जो भी लाइक डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो सारा भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इज प्रोविजन ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द इंटरव्यू शैल बी डिस्प्ले ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारा इन्होंने डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये पूरा जो होगा आपका जो है लाइक एनेक्जर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है फ़ोन नंबर, तो आप इस पे हेल्प हेल्पलाइन पे जाके जो अपना डिटेल ले सकते हैं। तो देखिए आई थिंक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा कि यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा आई थिंक ये। तो यहाँ पे अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपका बस फिक्स वेटेज मार्क्स 70 मार्क्स होगा और 30 मार्क्स इंटरव्यू का होगा। वहीं अगर आपके पास सिर्फ यूजीसी नेट सीएसआई नेट या गेट या डीबीटी बेट है तो यहाँ पे आपका फिक्स वेटेज मार्क्स 50 मार्क्स होगा। जो परसेंटेज होगा मार्क्स ऑब्टेन इन नेट गेट डीबीटी बेट 20% वेटेज रहेगा और इंटरव्यू 30 मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे नेट होना चाहिए या जेआरएफ होना चाहिए तभी आप जो इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के पीएचडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है नॉन नेट वालों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देख लेते कुछ और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पूरी लिस्ट देखने को मिलेगी कि आपको क्या क्या चाहिए होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th। तो देखिए यहाँ पे सारे जो जो भी सर्टिफिकेट तो सारे मेंशन कर रखे हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है वैलिड आपका यूजीसी सीएसआई जेआरएफ नेट आईसीएमआर जेआरएफ डीबीटी बेट गेट स्लेट आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आप किसी कैटेगरी में लाइक अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये भी जो है मेंशन करना है, ठीक है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट लाइक डॉक्यूमेंट्स है जो आप देख सकते हैं, आपको प्रिपेयर रखने पड़ेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। पीएचडी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो है लाइक इन्होंने पूरा लाइक सब्जेक्ट दे रखा है और आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए वो सारी मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पार्टिकुलर हर सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें लाइफ साइंस की, तो देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री आपको होना चाहिए लाइफ साइंस में, या बायो साइंस, बॉटनी, प्लांट साइंस या एनिमल साइंसेज में, जूलॉजी, ऑलमोस्ट किसी ने भी अगर आपने अपना मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका मिनिमम 55% मार्क्स जो है ना होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसका रिजर्वेशन पॉलिसी भी दे रखा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है, चाहे वो आप लाइक ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो फॉर्मेट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको लेटेस्ट फॉर्मेट जो है वो लेटेस्ट आपका लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। नॉर्मली लेटेस्ट ही जो है वो मोस्टली बनाते हैं ये लोग, ठीक है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इंटेक की अगर हम बात करें तो देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंटेक के, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या कितना नंबर ऑफ वैकेंसी जो है पीएचडी के लिए एलिजिबल है लाइक डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स में 14, केमिस्ट्री में 15, लाइफ साइंस में 3, तो ऐसा करके आप पूरा देख सकते हैं। तो टोटल 106 जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे जो है लाइक ओपन है, ठीक है। यानी 106 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे जो है पीएचडी में एप्लीकेशन जो है इन्वाइटेड होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा लाइक
ओपन हो जाएगा इसका पोर्टल, और आप जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप नया साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद जो आप लॉग इन करके अपने जो भी लाइक के डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल, या आपका फोटो या आपका सिग्नेचर जो भी अपलोड करना, वो सारा आप कर सकते हैं। तो पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।